give a brief introduction of yourself. Okay. My name is Saurav Kumar Yadav. I belong to Prayagraj UP. My mother is a running house. My father is a farmer. I have done my schooling from my native place. And after that, I have diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic Nandivana. And presently, I am preparing for competitive exams like a PSUs, ISRO, BARC, and State Junior. That's all about me. Okay. So Saurav, when did you complete your diploma? In 2018. उसके बाद क्या कर रहे हो आप? मैम, उसके बाद जो है, मैम, जब मैं पास आउट हुआ तो आपकी आवाज ओके यस मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज, बीच में ग्लिच आया था. ओके तो मैम जब 2018 जुलाई अगस्त में मैम मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मेरे दोस्त वगैरह सब मैम जो है प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जा रहे थे तो देखा मैम प्राइवेट में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मैं तैयारी करना शुरू किया मैम. तो कोविड आ गया, कोविड के चक्कर में 2-3 साल जो है एग्जाम्स वगैरह में दे नहीं पाया. तैयारी करता रहा लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में होते नहीं थे उतना और वैकेंसी भी डिले हो गई. मैं एग्जाम्स में बैठ नहीं पाया और उसके बाद से मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ, कई एग्जाम्स क्लियर भी किए. बट 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, कोविड तो 21 में चला गया था, उसके बाद क्या किया? मैम तैयारी नहीं कर, एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे. ओके सो यू अप्लाइंग फॉर NPCIL, यू टेल मी और डू यू नो समथिंग अबाउट व्हाट डज NPCIL डू? मैम NPCIL एक्सटेंशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. What does it do? क्या है? क्या करते हैं वो? क्या projects हैं उनके? Yes. It generates electricity from nuclear fuels and Nuclear Power Corporation of India Limited comes under the Department of Atomic Energy. Yes. Projects. And yes. Which headquarters is in Mumbai and there are 22 reactors all over in India. It generates electricity 3% of total electricity. And okay, which is the biggest plant of NPCIL? I think it's Rawalpindi, Rajasthan. Okay, कौन सा? रावतभाटा राजस्थान RR5. okay. आप NPCIL में क्यों आना चाहते हैं? मैम माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैम आई हैव डन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैम सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स, हीट मास ट्रांसफर एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. तो मैम मैं वहाँ पे जाके यूटिलाइज कर पाऊँगा और इन्हेंस कर पाऊँगा नॉलेज को. एंड जॉब स्टेबिलिटी होगी, पब्लिक सेक्टर है एंड वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्किंग प्लेस. And how are you suitable? आपको हम क्यों लें? I am highly disciplined person. वहाँ पे discipline की मैम बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि nuclear plants है, physical work होते हैं. And hard working. आप अगर ये वाला आपको जॉब दे दी जाती है, आप इसके लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट कैसे रहेंगे? तो लेटेस्ट चला हुआ है न्यूक्लियर पावर में, कैसे अपडेट रहेंगे, कैसे अपडेट करेंगे अपने आप? इंटरनेट. ओके
एनीथिंग एल्स? ओके, तो आपने कभी टीम में काम किया है अपने पढ़ाई के टाइम पे, या कुछ कुछ प्रोजेक्ट किया हो, कुछ इस तरह का कुछ काम किया हो जो टीम का हो, और आपने कुछ एज ए टीम कुछ अचीवमेंट की हो, कुछ ऐसा है? यस मैम, कॉलेज में जो इवेंट्स वगैरह होते थे तो उसमें ग्रुप्स बनते थे कि इस चीज़ को आप हैंडल करेंगे, उसमें मैम मैं टीम में काम किया हूँ। मैम जैसे कोई गेम सी कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाना होगा तो मैम स्टूडेंट्स ही कराते थे, तो उसमें मैम लीड करता था। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आई मेंटेन माय पेशेंस एंड कामनेस इन अ टफ सिचुएशन, दिस इज द माय बिगेस्ट एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस? वीकनेसेस। मैं अगर किसी काम को सोच लेता हूँ करने के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि काम को फिनिश कर, और जिसकी वजह से मैं काफी बार मैं तो वीकनेस कैसे हुई वो? वीकनेस में ऐसे हुई कि काम को जो काम मुझे बाद में पता चलता है कि ये इतना इसमें वर्क करने की जरूरत नहीं थी या जरूरी नहीं था कि इसको फिनिश किया जाए, मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता। ओके, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैम 5 साल मैम कंपनी में ही देखूंगा, एमपी इन एनपीसीआईएल एंड एज अ गुड पोजिशन ठीक ठाक हो एंड और गुड एक्सपीरियंस हो मैं मुझे काम का, क्योंकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एनहेंस कर सकूँ। व्हाट विल बी योर ड्यूटीज एज साइंटिफिक असिस्टेंट इन एनपीसीआई? बेसिकली मैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो मैम हर काम तो करते नहीं, मैम उनका जो काम होता है पूरा वो कंप्लीटली खुद करते हैं पूरा काम, तो वो उनका काम होता है कि मतलब छोटे छोटे कामों में वो इन्वॉल्व होंगे नहीं, वो अपने काम को बता देते हैं कि आप इसको जो है ये से करना करवाना है आपको, तो वो प्लांट से रिलेटेड होता है, प्लांट में वर्किंग मेंटेनेंस। अच्छा सौरभ, अब आपके फीडबैक पे आ जाते हैं। पहली बात तो आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपने आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी होती, उनके पास रिज्यूमे होता है आपका, आप बता देते हो ना अपना रिज्यूमे, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लोग वहां से लाते। बेसिकली इस टाइम पे कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो वो इसलिए पूछ रहा होता है कि वो आपकी सूटेबिलिटी देखना चाहता है। ठीक है, सूटेबिलिटी आपकी पढ़ाई से आती है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं उस जॉब को करने की, उससे आती है। ओके, सो सूटेबिलिटी आपकी कैसे होगी? यू कैन से कि आपने 10 मतलब प्लस टू कहाँ से की है, वो इट इज ओके। बीटेक मतलब आप सॉरी, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपने डिप्लोमा कहाँ से किया ये भी आप बता सकते हो, किस चीज में किया ये बता सकते हो आप, लेकिन उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा में कुछ ऐसा काम किया है जो आपको और अच्छा टेक्निकली शो कर सके, या किसी क्लब्स को ज्वाइन किया है डिप्लोमा के टाइम पे, या कुछ एक्टिविटीज ऐसे की हैं जिससे आपकी कुछ लीडरशिप नजर आए, या कुछ इस तरह की चीजें, तो दैट यू कैन से। ठीक है, तो क्या किया है डिप्लोमा में? मैम मैं डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज से किया हूँ, ज़्यादा इवेंट्स वगैरह वहाँ होते हैं एक्चुअली, तो तो फेवरेट आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं? सब्जेक्ट मैम जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट मास ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर तो चलो एक तरफ का हो गया है, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका डिजाइन पार्ट हो गया, अदरवाइज थर्मल और वो आपका थर्मल का पार्ट हो गया दोनों, है ना? तो आप कुछ या तो एक फील्ड पकड़ लीजिए, या तो आपको दोनों चीजें, फिर जो आप बोलोगे वहां पे कि आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है, तो दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और थर्मल, ये थर्मोडायनेमिक्स दोनों में आप कॉन्फिडेंट हो तो कोई बात नहीं है, यू कैन प्रिपेयर बोथ ऑल्सो। ठीक है,
बट उसके बेसिक चीजें कि जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का भी सारा जो आपको इवन एसएफडी बीएमडी का सारे स्ट्रक्चर, जितने भी वेरिएंट्स होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इवन दे कैन आस्क यू टू लाइक टेल यू द सोल्यूशन, ओके? वो तो टेक्निकल में आपका हो ही जाएगा सारा कवर, बट वहां पर भी मतलब आई एम सजेस्टिंग दैट यू प्रिपेयर जो आपको अच्छे से सब्जेक्ट्स आते हैं वही आप बोलें, ठीक है? ओके, सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। में आप और क्या बोल सकते हैं, आपके पास और क्या है बोलने के लिए? ना आपने 2018 में, एक तो आपका ये भी प्रॉब्लम है कि गैप बहुत ज्यादा है, 5 साल का आपका गैप है, ना आपने कुछ और किया ही नहीं है 2018 के बाद। आप कोई प्राइवेट जॉब ही कर लेते, कुछ साथ साथ में कुछ कर लेते, बट 5 years इज अ लॉन्ग टाइम टू जस्ट प्रिपेयर। कोई 2 साल बोले तो भी चलो माना जा सकता है, बट 5 years इज अ लॉन्ग टाइम। मैम, कोविड आ गया वो ठीक था, बट कोविड कोविड के टाइम पे अगर आप प्रिपेयर कर लेते और उसके बाद आपने कुछ जॉब कर ली होती तो भी आपका प्लस पॉइंट हो जाता थोड़ा सा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई वाज मतलब ऐसे गैप इतना बड़ा दिखाने का कोई वो नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि यू आर वर्किंग, यू आर, व्हाट डज योर फादर डू? फार्मर, फार्मर है ना आपके फादर, तो यू आर हेल्पिंग योर फादर इन एग्रीकल्चर या कुछ ऐसा, लेकिन फिर वो आपसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे अगर आप ऐसा बोलोगे तो। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए अगर इस तरह से है तो, ठीक है? तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो नहीं है, या मतलब आई डोंट नो, यू विल हैव टू थिंक ऑफ इट कि आप कैसे उस गैप को कवर करोगे। कहीं ना यही कहीं, कहीं ना कहीं अगर वर्क दिखा सकते हो, कुछ कर सकते हो तो देख लो। मैम काम किए नहीं, अगर दिखाएंगे तो वो उसमें फिर क्वेश्चंस नहीं, आएंगे। ऐसे नहीं दिखाना है, मतलब इन द सेंस यू कैन, मतलब अगर आप नॉर्मल किसी शॉप पे काम कर रहे हो, या आपके कोई रिलेटिव का या आपके कोई किसी कजन का कुछ बिजनेस है, उसको आपने हेल्प किया है या कुछ ऐसे है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो यू कैन थिंक ऑफ, ओके, नेक्स्ट उसमें सोच लेना, ठीक है? कि क्या बीच में आपको इतना बड़ा गैप तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो 5 साल से, ये तो नहीं आप बता सकते ना, ठीक है? ओके, कोई कुछ ना कुछ सोच लो कि कुछ ऐसा जिसको दिखाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ काम जिसको दिखाने की जरूरत ना पड़े। ओके फाइन, तो ये चीज आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है, प्लस आप अपने सब्जेक्ट्स मेंशन कर सकते हो, आई लाइक दिस सब्जेक्ट्स, एंड देन आपको एनपीसीएल के बारे में थोड़ा पढ़ना है। आपको बहुत कम चीजें पता है, ठीक है? कौन सा सबसे बिगेस्ट प्लांट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन से नए प्लांट्स बन रहे हैं, कितनी कैपेसिटी के हैं, ठीक है? एनपीसीएल का हेडक्वार्टर्स तो यू नो, बस आपको वो दो चार चीजें पता थी जो शुरू में होता है, बट अदरवाइज आपने थोड़ा सा अच्छे से उसको, थोड़ा सा एनपीसीएल के बारे में थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका, आपकी स्ट्रेंथ्स तो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है। आपने एक बार तो बोला डिसिप्लिन, दूसरे वाले में आपने क्या बोला? दूसरे वाले में आपने कुछ बोला था स्ट्रेंथ्स में, क्या बोला था? I maintain peace and calmness at any of the situation. हाँ, कामनेस इन दिस सिचुएशंस, तो ठीक है, दैट इज गुड। तो इसमें भी आप डिसिप्लिन्ड बोल सकते थे ना दोबारा से। और आपको बहुत सोच के बोलना पड़ रहा है अपनी क्वालिटीज के बारे में, आपको इतना सोच के क्यों बोलना पड़ रहा है? आपको पता होना चाहिए ना आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, ठीक है? और जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं देखना है, आपको स्ट्रेट आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है, ठीक है? है ना? तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करो, अपने बारे में प्रिपेयर करो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। वीकनेस में वो थोड़ा सा वीक पॉइंट था, आपने ऐसे बोला कि मैं पूरा कर लेता हूँ, वो तो अच्छी बात होती है कि आप पूरा कर लेते हो, तो वो आप स्ट्रेंथ में बोल सकते थे वो वाली चीज। वीकनेस में कुछ ऐसी चीज अपने अंदर ढूंढो। देखो, चीजें बनाने की जरूरत नहीं होती, डोंट हैव टू लाइक टेल अ लाई, लेकिन अपने अंदर होता ही, आपको पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है। या तो आप मतलब लोगों की बातों बातें जल्दी मान जाते हो, तुम ट्रस्ट कर लेते हो दूसरे में, या इमोशनल हो, या काम का स्ट्रेस ले लेते हो, या कुछ ऐसे, मतलब दिस इज अ वीकनेस। जिससे आपको वीकनेस वो बतानी चाहिए जो, जिसमें आपको तो दिक्कत हो रही है बट कंपनी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है?
तो आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ये तो पता ही होनी चाहिए। फिर 5 साल बाद आप एनपीसीएल में कहाँ होंगे, वो ये है कि आप आपको उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है एनपीसीएल का। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो, उसमें आप ये बोल सकते हो कि यू विल ग्रो विद द कंपनी एंड यू विल वर्क हार्ड फॉर इट एंड आई वॉन्ट टू रीच टू दिस लेवल। ठीक है, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रिपेयर करो अपने आप को एंड बी अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में बोलो, नहीं हो तो टोटल हिंदी में ही बोलो, फिर डबल नहीं यूज करो। ठीक है, या तो इंग्लिश यूज करो या हिंदी यूज करो। ओके, फाइन।